आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता, जिसके लिए एक बर्तन में हमें पानी गर्म कर लेना है। पानी अच्छा बॉईल हो जाने पर इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पास्ता, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल कर लेंगे। ये पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इस स्ट्रेनर की सहायता से इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और 1 क्यूब बटर। अगर आप चाहें तो इसे पूरा ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर से इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्ची और स्वीट कॉर्न। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पास्ता सॉस, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच। अब इसने बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देंगे, मिला देंगे पास्ता, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ऑलिव। अब इसमें हम ऑलिव डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच इटालियन सीजनिंग भी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर। ये तैयार है हमारा पास्ता।